नमस्कार दोस्तों। दोस्तों हमसे बहुत लोग पूछते हैं, सर पुराना घर का कंक्रीट और जो हम उसके बगल में नया घर बनाना चाह रहे हैं, उस दोनों को ज्वाइंट कैसे करना है। तो आज इस चीज़ को लेकर के आज हम आपको बताएंगे कि भाई ज्वाइंट करने का तरीका क्या है। क्या बस सिर्फ जो पुराना घर है जाना, तो या 2 महीना पहले 6 महीना पहले कंक्रीट किया हुआ है और नया कंक्रीट जो कर रहे हैं, कास्टिंग कर रहे हैं, क्या बिना ऐसे ही घोला मार के कर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल नहीं कर सकते। आप घोला मार के, घोला मतलब क्या हुआ, सीमेंट सलरी मार कर दे करके ओनली जो है 7 to 15 days वाला जो कंक्रीट होगा उसमें आप कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही उससे ज़्यादा दिन का कंक्रीट हुआ, चाहे 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना, चाहे 1 साल 2 साल इस तरह का हो, अब उस कंक्रीट को ज्वाइंट करने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले हम आपको इस वीडियो के जरिए बताएंगे कि क्या क्या हमें ध्यान देना है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है, हम पॉइंट लिख के जाते हैं, आप उसको ध्यान में रखिएगा। तो पहला पॉइंट आता है मेरा कि भाई सबसे पहले एक क्लीन द सरफेस। अब जो भी, चाहे हम यहाँ पे रूफ स्लैब की बात कर रहे हैं, रूफ स्लैब का सरफेस को, क्योंकि इतना दिन से अगर ज़्यादा कंक्रीट रहेगा तो उसमें डस्ट आ जाता है, यानी तो कभी कभी पानी की वजह से उसमें जो है कुछ काई जम जाता है, तो उसको अच्छी तरीके से क्लीन कर लेना। अगर वो क्लीन करने के लिए आप वायर ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं, वायर ब्रश का इस्तेमाल कीजिए और उसको पूरे अच्छे तरह से क्लीन करें। क्लीन करने के बाद तब ही जा करके आप, जब क्लीन हो जाएगा, अब इसमें क्या है, क्लीन करने में क्या क्या है, पहले तो कंक्रीट क्लीन करना है। जैसे मान लिया जाए ये मेरा जो है पुराना स्लैब है, मतलब ये मेरा पुराना स्लैब, ये हो गया ओल्ड स्लैब, ठीक है। अब हमें इसके बाद जो है नया स्लैब, न्यू स्लैब मतलब का कंक्रीटिंग करना है, तो इसमें क्या ध्यान देना है। तो स्लैब में पहले हम स्लैब का बता देते हैं, रूफ का, फिर हम बीम में बताएंगे भाई बीम में क्या देना, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि भाई इसमें आपका जो है स्टील भी रहेगा, छत का टॉप रेनफोर्समेंट भी रहेगा और आपका बॉटम रेनफोर्समेंट भी रहेगा, ठीक है। अब इसको ज्वाइंट करने की बात है, ये हम सरिया की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो क्या करना है, सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है कि भाई हमें सरिया को भी देखना, जो सरिया हम निकाले हुए, अगर रेनफोर्समेंट नहीं है तो आप वहाँ पे एंकरिंग कर दीजिए, केमिकल एंकरिंग कर दीजिए, एंकरिंग ड्रिल करके उसमें केमिकल दे करके आप उसमें जो है रेनफोर्समेंट दे सकते हैं। और ये हमेशा जब भी कभी आप जो है स्लैब का जॉइंट रहेगा, ये हमेशा स्लोप में रहेगा, ये रहेगा क्या आपका स्लोप में जॉइंट रहेगा, कभी भी जो है ये एकदम, जैसे ये छत स्लैब है, कभी भी इस तरह का जॉइंट जो है नया कंक्रीट जो आएगा ये यहाँ पर जॉइंट नहीं देना है, ठीक है। अब देखिए, अब नया कंक्रीट की अगर बात करते हैं तो नया कंक्रीट आपका ऐसे आएगा, इसके आगे जाएगा आपका स्लैब, कभी भी इस तरह का जॉइंट नहीं देना है। और दूसरा आप जॉइंट दे सकते हैं इस तरह का, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, जनरली जो है इस तरह का भी आप, यानी तो इस तरह का आप जॉइंट दे सकते हैं, ठीक है, जो नया कंक्रीट आएगा इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो हमेशा स्लोप में देना, ठीक है। अब बात करते हैं नया कंक्रीट जो डालेंगे, तो ये एरिया में, ये जो मेरा जो एरिया है इसमें हमें क्या अप्लाई करना है, मतलब क्लीन सरफेस, सरफेस क्लीन हो जाने के बाद जो है इसमें अप्लाई करेंगे हम अप्लाई सीका डूर 32। सीका डूर 32 आता जो है, ये आपका कंपोनेंट ए आता है, ए प्लस बी, पार्ट ए पार्ट बी आता है, जिसका रेशियो जो रहेगा आपका 1:2 रहेगा। मतलब कि अगर आपका जो है 1 kg ए पार्ट मिलाएंगे तो बी जो रहेगा पार्ट दो केजी मिलाएंगे। एग्जाम्पल लेते अगर केजी और 1 kg में, ठीक है, तो मतलब कि 1 kg मिलाएंगे तो आपका 2 kg मिलेगा, ठीक है, दोनों को मिक्स कर देंगे। और ये ओनली जो है आपका 15 से लेकर के 30 मिनट तक ही इसको अंदर आपको यूज़ करना है, नहीं तो फिर ये आपका पूरा हार्ड हो करके सूख जाएगा। अप्लाई सिक्का डू 32, ऐसे आपका जो है बहुत ऐसे केमिकल मिल जाएगा, लेकिन मैं सिक्का डू 32 का बता रहा हूँ। और ये क्या आपका जो है, ये सिक्का डू 32 है आपका बॉन्डिंग एजेंट है, मतलब कि
कंक्रीट, पुराना कंक्रीट और नया कंक्रीट को जोड़ने का ये जो है काम करता है। दोनों पार्ट को मिला देंगे और इसको जो है ब्रश से अप्लाई कर देंगे, ठीक है। जो आपके पास ब्रश होगा, ब्रश से आप इसके ऊपर जो है अप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए आराम से, ठीक है। और याद रहना चाहिए, अब ऐसा नहीं कि भाई कंक्रीट उधर चल रहा है, इधर हम पहले से अप्लाई करना शुरू कर दिए, और जब भी कभी मिलाइए तो उतना ही मिलाइए जितना कि उसको हम जो है कम से कम आधा घंटा के अंदर उसके ऊपर कंक्रीट आ सके। छोटा पार्ट मिलाइए, फिर आगे जाएंगे आगे वाला पार्ट मिलाइए, ठीक। अब तो यहाँ तो छत में क्लीन करना, रेनफोर्समेंट को क्लीन करना और अप्लाई करना बहुत आसान है, लेकिन बीम में, आरसीसी का बीम में और पिलर जो कॉलम जो नीचे से ऊपर आएगा उसमें अप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि सरिया का इतना जंक्शन होता है कि वहाँ अप्लाई आप जो है नहीं कर पाएंगे। तो उसके जगह पे आप क्या करेंगे, तो उसके जगह पे ये था आपका दोस्तों रूफ का, रूफ में हमें क्या देना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे बीम, बीम में, बीम एंड कॉलम, यहाँ थोड़ा मेरे साथ फिर से स्केच अभी धोखा दे रहा है, बीम एंड एंड कॉलम में, बीम एंड कॉलम, ये रूफ में, ये बीम एंड कॉलम में, बीम एंड कॉलम में क्या करेंगे भाई, तीसरा पॉइंट है मेरा, बीम एंड कॉलम में अप्लाई करेंगे हम सिका लेटेक्स। ये भी आपका जो है क्या है, बॉन्डिंग एजेंट है, बॉन्डिंग एजेंट, ठीक। सिका 232 बॉन्डिंग एजेंट है और ये सिका लेटेक्स जो बॉन्डिंग एजेंट, ये आपका किस तरह का रहेगा, मिल्क की तरह रहेगा। इसको ओनली क्या करना, लेना है और जहां भी आपका बीम है चाहे पिलर है उसमें बस दे डाल देना है, ठीक है। और इसमें कुछ सोचना नहीं, ये भी आपका बॉन्डिंग का काम करेगा। तो दोस्तों मेरा बस यही कहना है कि जब भी कभी, यहाँ तक कि कुछ लोग प्लान करते हैं कि भाई पहले हमें जो है पिलर तक, कुर्सी प्लिंथ लेवल तक जो कंक्रीटिंग कर लेते हैं, फिर उसके ऊपर जाते हैं लेंटल लेवल तक, तो उसमें वो लोग 2-3 महीना का ड्यूरेशन लेकर चलते हैं, तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे। तो आप इस सिचुएशन में, वहाँ तो रूफ है नहीं, छत है नहीं, वहाँ पे आपका जो पूरा कॉलम जॉइंट रहता है उसके जगह पे आप जो है सिका लेटेक्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बॉन्डिंग एजेंट है। सिका लेटेक्स इस्तेमाल कीजिए, ये क्या है कि भाई कि पिलर में पहले उसको थोड़ा पानी दे दीजिए, फिर उसमें जो है ये आपका लेटेक्स मिला दीजिए, तो आपका बॉन्डिंग जो है पूरा अच्छी तरीके से हो जाएगा। बहुत लोग बोलते हैं कुछ नहीं होगा, घोला दे देते हैं, घोला बिल्कुल ना दीजिए, घोला उतना इफेक्टिव नहीं है कि उसको कंक्रीट को बॉन्ड कर सके, या आपका सिका लेटेक्स और सिका डूर 32। फिर से कहना चाहूँगा, ये तो मैं सिका कंपनी का जो है एक एग्जांपल बताया, ऐसे भी बहुत ऐसे कंपनी है जो कि आपका बॉन्डिंग एजेंट उसका आपको मिल जाएगा मार्केट में। आप कोई भी ला करके जो है आप जाएंगे दुकान में, पूछेंगे कि भाई कि कंक्रीट को बॉन्डिंग के लिए, ओल्ड कंक्रीट और नया कंक्रीट को बॉन्डिंग के लिए कौन सा केमिकल हम यूज़ करें, तो आपको हमेशा जो है दो केमिकल देगा। उस केमिकल को मिक्स करके, एक ही साथ मिक्स नहीं करना है, आप उसको जब पार्ट एक दूसरा सा आप मग ले आइए, मग में पार्ट बाई पार्ट जब भी मिलाएंगे उसका रेशियो 1:2 होना चाहिए, मतलब कि जितना एक पार्ट रहेगा उसका दुगुना पार्ट भी रहेगा, मिला करके आप उसको जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। और याद रहे कि आपका 15-30 मिनट में वो पूरा हार्ड हो जाएगा, इसलिए जब कंक्रीट जहाँ पे बॉन्डिंग होने वाला है पुराना स्लैब से, उसके 10-15 मिनट पहले जो आप लगाइए और तुरंत वहाँ पे कंक्रीट जो है डाल दीजिए, नहीं तो फिर वो काम नहीं करेगा, ये आपको ध्यान देना है। तो हमेशा जो है, तो इसको आप याद रखिएगा कि क्या हमें जो ध्यान देना है, पहले क्लीनिंग सरफेस करेंगे, फिर अप्लाई सिका डूर करेंगे, फिर बीम और कॉलम में जो है हमें जो है लेटेक्स इस्तेमाल करना है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और आप जो है अब ये अगर करेंगे तो आपका क्रैक बिल्कुल नहीं आएगा। हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया जरूर इसको जो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, नीचे थैंक्स का बटन है उस पर क्लिक करके आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं, और ख़ास करके हमारे चैनल वा को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन बन जाएगा, उसको भी क्लिक कर दीजिएगा, उससे बेनिफिट बस ये होता है जब सिविल इंजीनियर को नया वीडियो आपके लाएगा सबसे पहला नोटिफिकेशन में दिखेगा, ठीक दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।